नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा। आज मैं आपको लेके चल रही हूँ मधुबन में, और यहाँ पे इतने सारे ब्यूटीफुल प्रसंग आपको दिख जाएंगे। श्री कृष्ण का मधुबन, जहाँ पे आपको नटखट कन्हैया के बचपन की झांकियाँ दिख जाएंगी, माखन चोर वाली। इसके अलावा आपको यहाँ पे राधा कृष्ण और गोपियों के संग का भी एक बढ़िया सा प्रसंग दिख जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो बिल्कुल देखने लायक है। एम्बियंस इज सुपर्ब, इट्स माइंड ब्लोइंग। पर मैं आपको ये सब दिखाने के लिए यहाँ पे नहीं लाई हूँ। मैं आपको दिखाने वाली हूँ 56 भोग, जिनका भोग लगाया जाता है यहाँ पे डेली श्री कृष्ण को। सो दिस इज एन अनलिमिटेड वेज बुफे, वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस। चलते हैं अंदर मधुबन द डिवाइन स्प्रेड में, जो कि है आर मॉल मुलुंड में। लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अंदर जाना है, देखना है कि आज के 56 भोग के मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं। जैन मेन्यू है और रेगुलर मेन्यू भी है। आइए। सो एंटर करते ही बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब्स है, बहुत ही अच्छा फ्लूट बज रहा है बैकग्राउंड में, वेरी सॉफ्ट म्यूजिक एंड ब्यूटीफुल एम्बियंस, लाइक सुपर्ब इंटीरियर्स। इस तरफ स्टार्टर्स का काउंटर है, यहाँ पे पानीपुरी का काउंटर है। एक पीस पानीपुरी मैंने ट्राई कर ली है, ज़्यादा नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी यमी दिखाई दे रही है और वो वाली खानी है। तो पहले चलते हैं सूप की तरफ। वेलकम ड्रिंक्स भी हैं जो मैं आपको टेबल पे लेके जाके दिखाने वाली हूँ। सो यहाँ पे दो तरह के सूप्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो दिस वन इज़ द टमेटो सूप, थिक टमेटो सूप दिखाई दे रहा है, और उसके साथ में ये ब्रेड क्रम्स भी दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा है हॉट एंड सार सूप। सो ये वाला थोड़ा सा ट्राई करते हैं, थोड़ा सा ही लूँगी, जो अच्छा लगे वो बाद में लूँगी, बिकॉज इट्स अनलिमिटेड। तो पहले सिर्फ ट्राई करेंगे थोड़ा सा। इसके ऊपर मैंने ये फ्राई वाला नूडल्स डाला है। एक्चुअली नूडल्स नहीं है ये कुछ अलग तरह का है, आई थिंक चाइनीज़ बेल वगैरह में यूज़ करते हैं, वैसा लग रहा है। चलते हैं सूप लेके अपने टेबल पर। सो मैंने ये वेलकम ड्रिंक्स तीनों भी ले लिए हैं। कोकम वाला पहले ट्राई करेंगे, कम्प्लीटली कोकम फ्लेवर, एंड दिस इज कैरी पना। बहुत लाइट लगा मुझे ये वेलकम ड्रिंक, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप अच्छे से वेलकम ड्रिंक पी लो, काफ़ी ज़रा आपका जो एपेटाइट है वो वेलकम ड्रिंक से ही पूरा फुल हो जाए, वैसा कुछ नहीं है, काफ़ी लाइट है। छाछ भी यहाँ पे अवेलेबल है जो मैं बाद में पीने वाली हूँ। एंड देन जो मैंने सूप लिया है उसे ट्राई करते हैं। सो इट्स अ रेगुलर चाइनीज हॉट एंड सार सूप। लेट्स गो अहेड एंड सी स्टार्टर्स में क्या क्या है। राधे राधे। राधे राधे। तो बताइए 56 भोग के आइडिया के बारे में। हमारे पास 56 आइटम है, उसमें 4 स्टार्टर रहते हैं, उसमें पनीर लिपावा, खमन ढोकला, कभी बटाटा वड़ा, तो कभी हर मतलब एवरीडे रोज चेंज रहता है मेनू। सो यहाँ पे दो तरह की चटनीज दिखाई दे रही है। एक तो ये ग्रीन चटनी है, बहुत ही ब्राइट ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है इसका, एंड द सेकेंड वन सीम्स टू बी अ स्वीट चटनी। साबुदाना वड़ा, मिनी समोसा, और ये ढोकला दिखाई दे रहा है मुझे, ये व्हाइट एंड येलो वाला है। देयर इज अ प्लेन व्हाइट ढोकला एज वेल। पापड़ है, फ्राइम्स है जो मैं नहीं ले रही हूँ, और यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग ये फरसान दिखाई दे रहा है, तो ये चना दाल है, ये थोड़ी सी लेते हैं। तो फरसान के साथ में खाएंगे, देखेंगे कैसा लगेगा। ये कुछ अलग तरह का चिवड़ा भी दिखाई दे रहा है। सो दिस इज गोइंग टू मेक द स्टार्टर मोर यमी। और एक ये प्लेन चिवड़ा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्या खाऊं, आई विल ट्राई द साबुदाना वड़ा बिकॉज दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट स्नैक्स। क्रिस्प है साबुदाना वड़ा, और ये समोसा है। समोसे की स्टफिंग काफी अलग दिखाई दे रही है, और एक समोसा मोर काफी डिफरेंट है। चना दाल की स्टफिंग है इसके अंदर, और जो ग्रीन चटनी ना, धनिया की ग्रीन चटनी है, इसके साथ में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जो भी ये नमकीन यहाँ पे रखा हुआ है ना, जैसे चना दाल चिवड़ा, ये भी सारा काफी फ्रेश है। व्हाइट वाला ढोकला ये भी फ्रेश है, स्पॉन्जी है। तीखी मीठी चटनी दोनों मिक्स करके खाऊंगी, क्वाइट गुड। सेकंड वाला
दोनों ही ढोकले बहुत अच्छे हैं, इनकी जो खटास है ना इट इज जस्ट परफेक्ट, जिसकी वजह से ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और जो भी खाना यहाँ पे सर्व किया जाता है ना अनलिमिटेड बुफे में, सबसे पहले ये 56 भोग, क्योंकि 56 यानी कि 56 तरह के डिशेज होते हैं डेली, रोज मेन्यू डिफरेंट होता है। तो ये 56 भोग पहले ये श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है, उसके बाद में बुफे को लाइव किया जाता है। तो स्टार्टर्स फिनिश करती हूँ, उसके बाद में आपको मिलती हूँ मेन कोर्स के काउंटर पे। और अगर आप यहाँ पे ड्रेसिंग देखो ना, तो यहाँ पे जो वेटर्स है या जो भी सर्व कर रहे हैं या सुपरवाइज कर रहे हैं, तो धोती और कुर्ते यहाँ पे इन्होंने पहने हुए हैं, जो देख के बहुत ही एक ट्रेडिशनल वाला फील दे रहे हैं। एंड देर आर जैकेट्स ऑल्सो, कुछ जैकेट टाइप इन्होंने चमकीले वाले पहने हुए हैं। मधुबन में ये सब कुछ यहाँ पे बढ़िया म्यूजिक के बीच में सर्व हो रहा है, फर्स्ट क्लास एम्बियंस के अंदर। तो मैं तो ये सब कुछ बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। और 4 जात की सब्जियाँ रहती है, 2 काठे वाली सब्जी रहती है, 2 जात की खिचड़ी रहती है। तो मेन कोर्स में यहाँ पे जो सब्जियाँ दिखाई दे रही है ना, एक्चुअली काफी टेम्पटिंग दिखाई दे रही है मुझे। ये है पनीर चिली, सो ये मैं थोड़ा सा ही लेने वाली हूँ। और ये है मोगर भुर्जी, सो मोगर भुर्जी वाला नाम तो पहली बार सुना है, आई रियली डोंट नो व्हाट इट इज। ये कुछ अलग दिखाई दे रहा है, दिस इज काजू गाठिया एंड दिस इज रंगोली वाल। सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ही लेने वाली हूँ, सिर्फ टेस्ट करूँगी। जीरा आलू देखने में काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। एंड देन दिस टिंडोला चिड़िया, वाओ दिस टू लुक्स अमेजिंग। यहाँ पे है जैन काउंटर, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। सो रंगोली वाल यहाँ पे भी है, मोगर भुर्जी है, दाल कड़ी है, रजवाड़ी स्टाइल एंड गुजराती स्टाइल पनीर है, एंड अगेन टिंडोला भी है, कुछ चटनीज है, सैलड है यहाँ पे। और शायद ज़्यादा का स्वीट रहता है, और जैन फूड भी पूरा अपन पूरा बनाते हैं, मतलब 56 भोग के हिसाब से। और हम खाना बनाते ही पहले 56 भोग कृष्ण भगवान को भोग देते हैं, उसके बाद ही शुरू करते हैं खाना। हाँ दे दो एक एक। रोटी बहुत सॉफ्ट है और घी लगाया हुआ है बहुत सारा। दीज टू आर काठियावाड़ी सब्जीज, जैसे हमें शेफ ने बताया, एक तो ये काजू वाली सब्जी है और दूसरी ये रंगोली वाल करके लिखा हुआ है। सो इतनी बड़ी बड़ी वाल एक्चुअली मैंने कभी खाई नहीं है पहले। तो काठियावाड़ी सब्जी का टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है, जो हम रेगुलर सब्जियाँ खाते हैं उनसे अलग है। आई थिंक मसाले भी अलग होंगे। एंड मसाला पूरी एंड प्लेन पूरी, 2 तरह की पूरी सर्व की हुई है। से पनीर चिली ट्राई करेंगे। मसाला पूरी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, द पनीर चिली टू टेस्ट गुड। सो ओवरऑल ऑल द सब्जीज आर गुड, स्टार्टर से ज़्यादा मेन कोर्स की सब्जियाँ बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लग रही हैं, क्योंकि बहुत ही प्लेन सिंपल खाना है ये। जो सब्जी बनाई ना, हर सब्जी में उस सब्जी का टेस्ट आ रहा है। और ये मोगर भुर्जी जो बोला था ना, मूंग दाल है एक्चुअली, बहुत ही गाढ़ी बनाई हुई है, उसको मोगर भुर्जी बोला है इन्होंने। सो ये खा के फिर चलते हैं राइस की तरफ। तो उनका पूरा कॉन्सेप्ट कृष्ण भगवान के ऊपर लिया हुआ, राधा माँ के ऊपर। तो राधा जी का झूला भी है और कृष्ण भगवान की पूरी लीला है। और यहाँ पूरा रेस्टोरेंट एक मिंदर टाइप लग रहा है, यहाँ आने के बाद में आपको बहुत बढ़िया मतलब गौरव महसूस होता है, और आप नेक्स्ट टाइम वापस भी आने की कोशिश करेंगे। या इतना प्रेम से हम खाना खिला रहे हैं, एम्बियंस इतना बढ़िया है ना यहाँ पे। एक्चुअली जो इतनी सारी पिक्चर्स यहाँ पे लगी है, सारी एक से बढ़कर एक है, मगर मुझे जो सबसे अच्छी पिक्चर लगी है यहाँ पे, जो दिल को छू गई, वो है जब राधा मिरर में देखती है ना आईने में, तो उनको श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं। आपको इन सारी पिक्चर्स में से कौन सी पिक्चर सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। तो यहाँ पे मेन कोर्स में राजस्थानी दाल एंड गुजराती दाल दोनों है, तो मैं यहाँ पे आई एम रियली कन्फ्यूज कि क्या लूँ, तो थोड़ी सी राजस्थानी दाल ले लेती हूँ। रजवाड़ी कढ़ी भी है, गुजराती कढ़ी भी है। सो गुजराती कढ़ी तो मैंने लास्ट कई वीडियोज़ में खाई है, कढ़ी खिचड़ी जो उनकी होती है, तो मैं यहाँ पर रजवाड़ी कढ़ी लेने वाली हूँ। देयर्स जीरा राइस, मुझे जीरा राइस बहुत पसंद है, और स्पेशली जब ऐसा हो ना कि इसमें बहुत सारा जीरा और हरा धनिया हो तब अच्छा लगता है। और सर प्लेन राइस भी ले लेंगे ट्राई करने के लिए कि दाल के साथ में कैसा लग रहा है। देयर इज पीस पुलाव, और पीस पुलाव में काफ़ी सारे काजू डाले हुए हैं, मटर दिखाई दे रही है, ऑफकोर्स देयर सम मसाला कुछ बीच बीच में आ रहा है ऐसा।
एंड द खिचड़ी लुक सो टेम्पटिंग, वाओ, लग रहा है घी, इतना सारा घी इसमें डाला है। चलो थोड़ी सी मैं सोच रही हूँ इससे भी ले लेती हूँ। आई हैव इट विद अ लिटिल गुजराती कड़ी। स्वीट्स का सेक्शन हम बाद में करेंगे। तो फूड ब्लॉगर होने की वजह से वो अंदर से जो फीलिंग आती है ना कि हर चीज़ को टेस्ट करना है, सिर्फ जो अच्छी दिखे वो वाली नहीं, बट सारी, तो उसकी वजह से सारी चीज़ें लेनी ही पड़ जाती है। कितना भी मैं सोचूं कि दो तीन चीज़ें ही लूँगी, बट जब दिखता है ना खाना रोक नहीं सकते खुद को। तो ये सब टेस्ट करती हूँ फिर बताती हूँ आपको। रजवाड़ी दाल थोड़ी सी स्वीट है, गुजराती दाल विद प्लेन राइस मुझे बहुत अच्छी लगी, कड़ी खिचड़ी, जीरा राइस मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये जो वेज पुलाव है ना, पीस पुलाव एक्चुअली, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो एकदम सिंपल खाना है यहाँ पे। सो ओवरऑल जो सब्जीज़ मैंने खाई और मेन कोर्स इनका जो सारा है, सो इट गिव्स यू अ वेरी अर्ली फीलिंग, एक होम मेड जो सब्ज़ियाँ होती हैं मधुबन की तरफ, यानी कि आप मथुरा साइड चले जाओ, राजस्थान साइड चले जाओ, और काठियावाड़ी सब्जियां भी इसमें हैं, बहुत ही उस तरफ की एक वाइब आ रही है, एकदम रिलीजियस वाली है ना, कि कंटिन्यूस यहाँ पे फ्लूट बजती जा रही है, बांसुरी वादन होता जा रहा है, बहुत ही मधुर लग रहा है कानों को। ये खा के उसके बाद में स्वीट्स में बताती हूँ कि क्या क्या है। यहाँ पे है ये मूंग दाल हलवा, और इसमें मुझे काजू, किशमिश एंड पिस्ता दिखाई दे रहे हैं। आमरस, सो मैंगोज आर इन सीजन, सो आमरस तो ज़रूर लेना है। ओ वाहो, एक्चुअली एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा ना कि मक्खन, क्योंकि श्री कृष्ण है यहाँ पे, तो मुझे लगा कि ये मक्खन है इसका कलर देख के, बट दिस इज एक्चुअली इलायची श्रीखंड। बहुत ही गाढ़ा श्रीखंड है ये, एंड वाओ, ये यहाँ पे चूरमा लड्डू है, और दूर से ही है ना मुझे लड्डू में घी दिखाई दे रहा है ऊपर ऊपर। दो तो मैं खा ही लूंगी। टाइमिंग है 12 से 3:30, रविवार शनिवार को 4 बजे तक रहेंगे चलो, और शाम को 7 से 10:30 तक। सो श्रीखंड और आमरस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे पूरियाँ भी ले ली है, क्योंकि बहुत ही फ्लफी, ताज़ी ताज़ी, फ्रेश, गर्मा गर्म पूरियाँ हैं। एकदम चिल्ड आमरस है, और बहुत ही मीठा आमरस है। श्रीखंड इज यमी टू। मूंग दाल हलवा खाएंगे, हल्का सा स्वीट कम है, एक्चुअली ऐसे ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं होना चाहिए हलवा, और घी भी इसमें काफ़ी कम है, तो थोड़ा सा ज़्यादा भी आप खा सकते हो, हैवी नहीं होने वाला है। एंड देन देयर इज दिस चूरमा लड्डू, वाओ, स्वीट सारे एक से बढ़कर एक अमेजिंग है, और उसके बाद में मुझे मेन कोर्स भी अच्छा लगा इनका, जो भी इनकी सब्जियां इन्होंने बनाई हुई थी। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो, श्री कृष्ण के मधुबन में ये इतने सारे पिक्चर्स जो मैंने आपको दिखाई, आपको पसंद आई हो, और ये प्योर वेजिटेरियन फूड भी पसंद आया हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करो सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और खाओ पियो खुश रहो।